हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त। मिथुन राशि वालों 2021 आपको 8 बड़ी खुशखबरी देने वाला है, साथ में 3 प्रकार की सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं क्या है ये बड़ी जानकारी आपके लिए। मिथुन राशि वालों, इस साल आपके राशि स्वामी बुध ग्रह 5 जनवरी से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 मार्च से भाग्य भवन में, 1 अप्रैल से कर्म व्यापार भवन में, 8 जुलाई से खुद के घर में, फिर आगे धन भाव, पराक्रम भाव, सुख भाव में होते होते आगे आपकी वर्ष कुंडली में विद्या भाव में प्रसार होकर 10 दिसंबर को शत्रु भवन में आने वाले है। यह स्थिति के आधार पर हम जरूर बताएंगे 8 बड़ी खुशखबरी के साथ 3 सावधानियां। तो आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों, एक बात तो आप लिखकर ले लीजिए, इस वर्ष में आप कहां से कहां तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध ग्रह व्यापार कार्य एवं उन्नति के कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए सबसे पहली खुशखबरी आपके लिए है, पराक्रम में वृद्धि होने से आपके कार्य क्षेत्र व्यवसाय में उम्मीद से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपका करियर भी चमकेगा और उन्नति की राह भी खुलेगी, जिसकी वजह से न केवल दैनिक कार्य में रोजी रोजगार व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, किंतु आपके हर कार्य आसानुकूल बनेंगे, जिसके चलते दूसरी खुशखबरी इस वर्ष में आपका जीवन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत होने से प्राप्त होगा। भाग्य के सहयोग से आपके कार्य क्षेत्र जीवन में यश, कीर्ति, प्रभाव और पराक्रम में वृद्धि होगी। हर जगह आपका दबदबा बढ़ेगा, यहाँ तक आपकी वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन भी मजबूत होगी, जिसके चलते आपके जीवन की राह और आसान हो जाएगी। जो अभी तक सिंगल है और अपने लिए सही साथी के इंतजार में बैठे है, उन्हें तीसरी खुशखबरी जीवन साथी के रूप में प्राप्त होने वाली है। आप जानते ही है कि जिंदगी बिना साथी की नहीं गुजरती। यकीन मान के चलिए, आपको अपना हमदम साथी, दोस्त, प्रेमी मिलने वाला है। यकीनन आप जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। जो जातक अपने करियर को लेकर चिंतित है, नई जॉब प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बहुत से प्रयासों के बाद वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उन्हें चौथी खुशखबरी नौकरी के रूप में प्राप्त होगी। यकीनन इस साल में लंबी अवधि तक चलने वाली नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी को लेकर आपके मन में चल रहे संकल्प सिद्ध होंगे। यहाँ तक अगर आप नौकरी में हैं, तो आप अपने अधिकारियों का दिल भी जीतेंगे। पदोन्नति, कार्योन्नति, यहाँ तक नई जिम्मेदारी वहन करने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। पांचवी बड़ी खुशखबरी भाग्य का सहयोग प्राप्त होने से मिलेगी। भाग्य का साथ मिलने से आप इनकम के नए सोर्स तलाशेंगे और उसमें भी सफलता मिलेगी। बिजनेस में अकल्पनीय सौदे होंगे, जो आपको धन के साथ सम्मान भी देंगे। जिस कार्यों को लेकर आपकी दिलचस्पी थी, वह कार्य भी बनेगा। अभी 4 खुशखबरी सुनने से पहले 3 प्रकार की सावधानी से भी अवगत करा देते हैं। यह जान ले, फिर जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देने वाली, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी आलस और लापरवाही की बुरी आदत है, यही कारण के चलते आप काफी नुकसान उठा सकते हैं। दोस्तों, आपने आपको संभालिए। दूसरी कमजोरी, आप लोग स्वभाव से बहुत मनमोजी होते हैं, चंचल होते हैं। दोहरे स्वभाव के कारण आप बार बार अपना डिसीजन बदलते रहते हैं, जिसका आपको खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तीसरी कमजोरी आपकी आक्रामकता और क्रोध है, जिसके कारण आप अपना आपा खो बैठते हैं और जीवन में अघटित घटनाएं घटित हो जाती है। जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए इस नेचर का त्याग करना होगा। जो जातक कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें नया कार्य प्रारंभ करने का, व्यवसाय शुरू करने का, व्यापार में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा और उनका लाभ उठाने में भी आप कामयाब रहेंगे और एक सफल और सही जिंदगी बिताने की ओर आगे बढ़ जाएंगे। मिथुन राशि के जो जातक चकाचौंध की जिंदगी सुख के साथ व्यतीत करने के सपने लिए बैठे हैं, उन्हें 7वें खुशखबरी परिवर्तन योग के रूप में प्राप्त होगी। यह योग दूसरे बड़े राज्य, बड़े देश में जाकर ख्वाब पूर्ण करने के बड़े अवसर प्रदान करेगा। तन सुख, मन सुख, देह सुख, धन सुख के साथ पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। जो शिक्षा को लेकर मायूस हो चुके हैं, पिछली परिस्थिति के चलते शिक्षा में बड़ा व्यवधान हुआ है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में असफल रहे हैं, उन्हें 8वीं खुशखबरी सफलता के रूप में प्राप्त होगी। शिक्षा प्राप्ति का सपना सच होगा। जो नौकरी पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें निश्चित ही नई जगह पर कार्य करने का भी अवसर मिलेगा। धन की देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा।
दोस्तों याद रहे जीवन की यह पल दोबारा नहीं आने वाले, बात यह भी आपके साथ है, इसलिए बिना डरे सही निर्णय लेकर आगे बढ़े, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त।